मुझे डांस करना पसंद है। क्या आपको भी पसंद है? आपका फेवरेट डांसर कौन है बोलिए ना। चुप बैठ। चुप रहो। नहीं हेनरी ऐसे नहीं, रुको मैं दिखाता हूँ। ऐसे करो पा 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 पा। तुम दोनों बीच में से हट जाओ। पा 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 पा। अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। पर अभी तो 9 नहीं बजे है। हम सब मिलकर लूडो खेलें सोने के पहले। हाँ बोलो ना। ओके तो हम लोग सांप सीढ़ी भी खेल सकते हैं, ऐसे कोई जबरदस्ती नहीं है। नहीं हम छुपा छुपी खेलेंगे और तुम दोनों छुपोगे, और अगर तुम पकड़े गए तो दोनों का बैंड बजा दूंगी। ओ, 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 मैं जल्दी से सीढ़ी के नीचे छुप जाता हूँ। तुम नहीं छुपोगे हेनरी? शैतान रेबेका से नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने आज तक सभी बेबी सिटर्स को भगाया है, तो इस रेबेका को भी भगाऊंगा। चलो उसकी छुट्टी करते हैं। छुपने की जगह है हेनरी। हेलो, हमारे घर चोर घुस आया है, जल्दी आओ। चोर? बच्चा लोग तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम अभी पहुंच जाएंगे। वैसे वो दिखता कैसा है? 10 फीट लंबी, हाथी जैसे दांत, और अभी वो बैठकर टीवी देख रही है। पर वो रेबेका है, वो कोई चोर नहीं है। लगता है पुलिस रेबेका को चोर समझकर पकड़ के ले गई है। इसका मतलब मैं छुपन छुपाई जीत गया। बिल्कुल नहीं, इतनी आसानी से नहीं जीत सकते बच्चों। मैं चोर हूँ क्यों? 10 फीट लंबी हूँ क्यों? हाथी जैसे दांत है क्यों? I'm sorry, ये मेरा आइडिया नहीं था। वैसे मेरे ख्याल से आप काफी सुंदर दिखती है। चुप, चुप, जाओ सोने। तुम्हारे पास 5 सेकंड्स हैं। 1, भागो। 2, 3, 4, 5। बेड से उतरने की सोचना भी मत, वरना ऐसी मार पड़ेगी कि याद रखोगे। ये कुछ ठीक नहीं हो रहा है। किसी को पता चल गया कि रेबेका ने मुझे 7 बजे ही सुला दिया तो मेरी इज्जत का क्या होगा? हेनरी, मैं हूँ पीटर। तुम सो गए क्या? तुमने सोचा क्या करना है? सोचा मतलब कि तुम हेनरी हो, हेनरी। और हेनरी कभी हार नहीं मानता। ठीक कहा, कभी भी नहीं, क्योंकि हेनरी को कोई नहीं हरा सकता। ये हमारा घर है और यहाँ वही होगा जो हम चाहेंगे। कोई रेबेका डेका बेका हमसे हमारी आजादी नहीं छीन सकती। हम है दम, क्योंकि मैं हूँ हेनरी और तुम हो पीटर। मुझे लगता है मुझे अपने कमरे में रहना चाहिए। डरपोक। मकड़ी। ये तो बेकार सा खिलौना है और कुछ नहीं। आइडिया फट्टे। क्या तुमने कुछ सोचा? पीटर मुझे एक मकड़ी चाहिए। मकड़ी? कोई खास साइज वाली? हाँ, सबसे बड़ी। सुपर, अब मदद के लिए चिल्लाओ। बचाओ, बचाओ। वेरी गुड। थैंक यू हेनरी। सोए क्यों नहीं अभी तक तुम? So easy being me. I'm
से तो सिर्फ बदबू आ रही है। पॉटी कर दिया क्या पीटर? मामा, हेनरी मुझे चिढ़ा रहा है। थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। सुनो हेनरी, तुम पीटर को उसके नेचर प्रोजेक्ट में हेल्प क्यों नहीं करते? जरूर। मधुमक्खियों का छत्ता, ये तो हमें काट सकती है ना? बोलो ना। अगर तू गाना गाएगा तो वो तुझे नहीं काटेंगी और तुझे प्रोजेक्ट में फुल मार्क्स मिलेंगे आराम से। अच्छा। मधुमक्खी मधुमक्खी आजा तू। गाओ पीटर गाओ। मुझे नहीं काटो, मुझे नहीं काटो। पीटर, मधुमक्खी के छत्ते से दूर रहो। कुछ नहीं होगा पापा, मैं गा रहा हूँ ना। हेनरी ने कहा गाने से मक्खियाँ नहीं काटती। मुझे नहीं काटना। पीटर रुको, वो काट भी सकती है। नीचे उतरो। पीटर, पीटर, तुम्हें सचमुच थप्पड़ की जरूरत है हेनरी। मैंने क्या किया? पापा ने ही तो कहा था कि पीटर की हेल्प करो, तो मैंने कर दी। इसे हेल्प कहते हैं? तो आप ही बता दो किसे कहते हैं। पीटर, चलो हेनरी। आइडिया, सकते। जितनी जल्दी हम उस सड़े लेक तक पहुँचेंगे, उतनी जल्दी मैं घर जाके टीवी देख सकता हूँ। चलो चलो, जल्दी भागो, कितना मजा आ रहा है। ये हुई ना बात हेनरी। चलो चलो। इधर काटा, उधर काटा, काटा काटा। चल रे बोंधुराम, जो लास्ट पहुँचेगा वो अंडा। देखो, मुझे लेक मिल गया। जल्दी आओ, एक शॉर्टकट है। मुझे पता था वो एंजॉय करेगा। गोल गोल रानी, कितना कितना पानी। गोल गोल रानी, कितना धीरे चल रहे हैं। मुझे पता था ये ऐसे ही करेंगे। गोल गोल रानी, गोलम गोलम रानी, कितनम कितनम पानी। इनकी वजह से मेरा टीवी टाइम मिस हो रहा है। इन्हें कैसे जल्दी चलाओ? ओह, क्या बात है। चलो मैं पहले जाऊंगा। वैसे ये गाय तो नहीं लगती। हाँ, ये तो सांड है। वाह, क्या बात है। और वो रहा लेक। हमें शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए था। उस सांड ने तो हमारा दम ही निकाल दिया। मैंने तो पहले ही कहा था कि गांव में कुछ भी हो सकता है। ना, 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 ना। बस करो हेनरी, तुम उसे गुस्सा दिला रहे हो। क्या कर लेगा, वो तो अंदर है। ओ नो। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। इस तरफ। हम लेक में पहुंच गए, अब क्या हम घर जा सकते हैं? देखा, तुम्हें भी सर्दी हो गई ना हेनरी। तुम एक काम करो, यहाँ पे आराम करो। ठीक है माँ। अगली बार हम वॉक पर सिर्फ गार्डन में ही चलेंगे।
जितना भी चाहे ले लो। लाइफ सेट है, डैडी ने मेरे टॉफीज क्यों दिए? हैलोवीन आ गया है तेरा हीरो। सुजन कॉस्ट्यूम में झाड़ जैसी लग रही है और वो सिर पर मुर्गे जैसा क्या बना रखा है? वो बाजू वाली मेरी आंटी ने तो सड़ी गले चॉकलेट्स दिए थे, मुझे लगता है वो पिछले साल के थे। मैं जानती हूँ ये कोई ट्रिक है। मिल गया माल मसाला, अब कल्लू कालिया सबका बैंड बजाने के लिए आ गया है। देखो मैं टॉयलेट पेपर लगाता हूँ, तुम जाके चॉकलेट्स लेके आना। क्या क्या बोलता है, ले लूँ क्या? ऐसा क्यों? वो असली भूत तो नहीं हो सकता है ना? ऐसा क्यों? नहीं, कभी नहीं, वो हमारा है। मुझे स्विमिंग नहीं आती। ये हुई ना बात। किसकी शामत आई है यहाँ? अरे पर शैतान जैसे कुछ नहीं होता। कोई सबको डरा के उनके चॉकलेट्स छीन रहा है और हमें लगता है कि वो हेनरी है। हमारे हेलोवीन का सत्यानाश कर दिया। अंकल प्लीज उसे रोको। सॉरी, हेनरी को पनिशमेंट मिली है, वो आज घर के बाहर नहीं जा सकता। वो तो आपको फंसा के चला गया होगा। एक मिनट, आज के दिन भी उसे सजा मिली? हाय बेचारा हेनरी। हेनरी, हेनरी, हेनरी अपने कमरे में ही है, मैं अभी अभी उसे देखकर आया हूँ। ओह नो, सच में कोई कल्लू कालिया है? अंकल को तो कोई भी उल्लू बना सकता है और हेनरी ने वही किया है। तो अब टाइम है सबसे वे खिलाड़ी का, मार्गरेट। सुन बे पिद्दू चूहे, जंगली हेनरी, तूने अंकल को चोपी पहनाई है पर मुझे नहीं पहना सकता। मैंने तुझे पकड़ लिया है हेनरी, अब चल अंकल के पास, दो चार लाफे तो पक्का खाएगा। मैंने तुझे देख लिया है हेनरी, चुपचाप नीचे आ जा। अब वहाँ से कहाँ भागेगा? नीचे उतर वरना मैं तेरी चड्डी उतार दूंगी। So easy being me, I'm Hard Henry.
मैंने कहा बस करो। ये क्या हो रहा है सुबह सुबह? अभी तो सिर्फ सुबह के 6 बजे हैं। मैं हमेशा 6 बजे उठती हूँ और ब्रेकफास्ट के पहले म्यूजिक की प्रैक्टिस भी करती हूँ। ठीक है, तो हम सबसे पहले तुम्हारा नाश्ता बना देते हैं। चलो नीचे। सब कुछ ठीक है, ऑपरेशन बाय बाय मार्गरेट शुरू होता है अभी। मेरे रूम में लड़कियों की चीजें। कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैं कुछ लिख रहा हूँ अपनी पर्सनल डायरी में। डायरी? मुझे नहीं पता था तेरे पास कोई पर्सनल डायरी है। नहीं, मैं इसमें अपने सारे सीक्रेट्स लिखता हूँ। तेरे जैसे लोग इसे नहीं पढ़ सकते, समझी? और तुझ जैसे से ही बचाने के लिए मैं इस डायरी को इस बॉक्स में बंद करके इस चाबी से उसे लॉक रखता हूँ और मैं इसे यहाँ रखता हूँ। अब हट, बीच में से मुझे दांत साफ करने हैं। एक बार फंसी तो बार बार फंसी। डियर डायरी, मुझे ये लगता है कि वो आज पीटर को कचरे के डिब्बे में डाल देगी। पीटर कभी अपने मेहमान की चुगली नहीं करेगा और मैं फंस जाऊंगा, जिससे डांट मुझे पड़ेगी। मुझे थप्पड़ पर थप्पड़ पड़ेंगे और ये सब होगा उस मार्गरेट के कारण। हम तो खेलने वाले थे ना, पर ये खेल नहीं है, मुझे मम्मा की याद आ रही है। अच्छा, तो तू मेरी चुगली करेगा? कभी नहीं, मेहमान की चुगली थोड़ी ना करते हैं। गुड, तो अब हाथ हटा। हे, सुनो, ये कचरे का डिब्बा मत बोलना। ना 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 ना, हेनरी बेटा टूट गया। ऑपरेशन बाय बाय मार्गरेट इन प्रोग्रेस। और ये गया ईमेल। हेनरी, पीटर को कहीं देखा है? हाँ, कचरे के डिब्बे में और कचरे का डिब्बा है गाड़ी में। हाँ, क्या? पीटर! पीटर! रुको! ऑपरेशन बाय बाय मार्गरेट फाइनल राउंड। हेनरी, हद हो गई, ये तो लगता है झापड़ खाए बिना तो मानोगे नहीं। ये मैंने नहीं किया, पीटर से ही पूछ लीजिए किसने किया। पीटर, याद है ना, मैं तुम्हारी मेहमान हूँ। याद है ना लल्लू, झूठ बोलना पाप है। हाँ, तुम सही हो, मुझे सच बोलना चाहिए, ये सब मार्गरेट ने किया। मार्गरेट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, ओ बच्चू, तूने मुझे फंसा दिया। और तूने मेरे खिलौने खिड़की से बाहर फेंके, उसका क्या? क्या मैंने फेंके? क्या किया तुमने? मार्गरेट, ये तो हद हो गई। मन तो कर रहा है कि अगर तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ होते तो इसी समय तुम्हें घर भेजती। वेरी गुड मम्मी। अब कौन हो सकता है? I'm so sorry, Margaret, आपको परेशान कर रही है ना? जैसे ही हमें ईमेल मिला, हम वापस आ गए। कौन सा ईमेल? Margaret, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। चलो अब यहाँ से। जी, मैं तुम्हें घर चल के देखती हूँ। चलो अब। मैं तुम्हारा सारा सामान पहुँचा दूंगा। वो चली गई। तो वो ईमेल तुमने भेजा था ना? मैं जानता हूँ अब क्या होगा। 10 साल तक नो आइसक्रीम, नो टीवी, नो पॉकेट मनी। पर मार्गरेट तो गई। हाँ, मैंने ही वो ईमेल भेजा था। हाँ, तो तुम ये कैसे कर सकते हो हेनरी? वैसे तुम